नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को भेजा सलाखों के पीछे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया और उनके भाई शोविक पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शिकंजा कस लिया है। पहले उनके भाई और श्यामल मिरांडा के बाद अब रिया चक्रवर्ती को भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के खिलाफ बांद्रा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद ही रिया चक्रवर्ती को पकड़े जाने को लेकर कयास बनने लगे थे। हालांकि अब एनसीबी की तरफ से रिया को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। चुनाव आयोग ने सभी में कमजोर वर्ग के वोटरों को पहचान करने का जारी किया आदेश। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों की पहचान करने के लिए चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रदान की जा सके। चुनाव आयोग ने विशेषज्ञों से चुनाव को लेकर कमजोर मतदाताओं की पहचान किए जाने संबंधी जानकारी भी सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को प्रशिक्षण के दौरान दे दी है। आयोग के तत्वावधान में उच्च स्तरीय ऑनलाइन प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है, जिसमें राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी, निर्वाचित पदाधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारी शामिल हुए थे। एसटीईटी 2019 परीक्षा कल से ही होगी शुरू। एसटीईटी 2019 की परीक्षा कल से शुरू होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है। वहीं परीक्षा को लेकर के अहम गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत साफ तौर पर सभी अभ्यर्थियों को केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग करने का निर्देश दिया गया है। अगर छात्र रिपोर्टिंग समय के बाद पहुंचेंगे तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही मास्क लगाना और केंद्र पर प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। बगैर मास्क के किसी को आने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सभी अभ्यर्थी के लिए परीक्षा से पहले केंद्र को सैनिटाइजर की व्यवस्था उपलब्ध बोर्ड की तरफ से करवा दी गई है। इसके अलावा केंद्र पर प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के दोनों हाथ को सैनिटाइज करवाया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र में प्रवेश करने के दौरान टेम्परेचर 99.14 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा टेम्परेचर वालों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ANM को मुख्यमंत्री आवास पहुंचने से पहले पुलिस ने किया पीछे। बीते कई दिनों से ANM द्वारा लगातार सरकार के सामने कई बातें रखी जा रही है, लेकिन सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है और अभी तक उनकी मांग की तरफ सरकार ने कोई पहल नहीं की है। इसलिए आज सुबह सुबह ANM ने मुख्यमंत्री आवास की तरफ अपना रुख किया। हालांकि मुख्यमंत्री आवास जा रही ANM को प्रशासन ने बीच रास्ते में ही रोक दिया, लेकिन फिर भी विरोध करने वाली महिलाएं अपनी मांग पर डटी रही और सीएम आवास तक पहुंचने की कोशिश करती रही। मौके पर मौजूद महिलाओं ने कहा कि वो दिन रात लोगों की सेवा में तैनात रहती है, लेकिन सरकार की मांग की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। महिलाओं का साफ कहना है कि ट्रेनिंग करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। साक्षरता मामले में बिहार के 70.9% युवा साक्षर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में साक्षरता के मामले में एक शोध के बाद पूरी सूची जारी कर दी गई है, जिसमें केरल एक बार फिर से बाजी मार रहा है और पहले पायदान पर विराजमान हो गया है, जबकि आंध्र प्रदेश सबसे निचले स्थान पर मौजूद है। सर्वेक्षण के अनुसार केरल में साक्षरता दर 96.2% दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें बिहार में साक्षरता दर 70.9% दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं से अधिक है। बिहार में जहां 79.7% पुरुष साक्षर है, तो वहीं दूसरी तरफ 60% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। सर्वे के दौरान देश भर में 8097 गांव में 64,519 ग्रामीण परिवारों और 6,188 ब्लॉक में 49,238 शहरी परिवार के सैंपल लिए गए थे। विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने की दोनों याचिकाओं को हाईकोर्ट ने किया खारिज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सत्ता पक्ष पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो लगातार चुनाव का आयोजन रोकने के लिए याचिका दायर करवा रहे हैं। इसी क्रम में हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव पर रोक लगाने के लिए दायर की गई दो याचिका को लेकर अपना फैसला सुना दिया है, जिसके तहत हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। दोनों याचिका कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर स्थगित की है। याचिकाकर्ताओं ने COVID-19 के माहौल को लेकर फिलहाल चुनाव स्थगित कराने की याचिका दायर की थी। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने बद्रीनारायण सिंह एडवोकेट जयवर्धन नारायण की तरफ से जनहित में करते हुए उसे खारिज कर दिया है। पूर्व मंत्री के घर बीते दिन हुई चोरी। पूर्व मंत्री वैद्यनाथ सैनी के घर पर बीते दिन 30 लाख के सामान की चोरी हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ इलाके के स्थित HIG कॉलोनी में रहने वाले पूर्व मंत्री और भाजपा नेता वैद्यनाथ सैनी के घर पे बीते दिन चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि 30 लाख के ऊपर कैश और अन्य संपत्ति की चोरी की जा चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने वैद्यनाथ सैनी के घर का ताला तोड़कर इस काम को अंजाम दिया था। अलमारी में रखे 6,25,000 उठा लिए। सोने के जेवरात, कई अहम कागजात, कीमती सामान समेत
में 30 लाख रुपए से ऊपर के सामान की चोरी की गई है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस लगातार अपनी जांच में जुट गई है। घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिसके बाद जल्द ही चोरों की पहचान होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब घर बैठे बैठे पटना एम्स के डॉक्टरों से करवा सकेंगे इलाज। कोविड-19 के माहौल के बीच सब कुछ ऑनलाइन किए जाने की तैयारी जोर शोर से हो रही है। इसी क्रम में अब मरीजों का इलाज भी आसानी से घर बैठे बैठे किया जाना संभव हो गया है। इतना ही नहीं, अब मरीज आसानी से घर बैठे बैठे पटना एम्स के डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार पटना एम्स के साथ साथ देश के कई नामी डॉक्टर आपका ऑनलाइन इलाज करने में अब सक्षम होंगे, जिसके लिए एक ऐप जारी किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से यह संभव हो पाएगा। इस ऐप को पटना के शुभम शशांक और आदित्य पांडे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके तैयार किया है। इन दोनों छात्रों ने इसे स्टार्टअप के तौर पर शुरू किया है। बिहार के मौसम में एक बार फिर दिखा बदलाव। बिहार के मौसम एक बार फिर से करवट ले ली है। जहां कुछ दिनों पहले लोगों को गर्मी की वजह से काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही थी, वहीं अब बारिश की संभावना एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 24 से 36 घंटे तक मॉनसून फिर से सक्रिय नजर आ रहा है। यही वजह है कि राज्य भर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पटना में भी दोपहर बाद आसमान में बादल देखे गए, लेकिन झमाझम बारिश भी हुई। हालांकि उमस में लोगों ने काफी राहत महसूस की है। वहीं दोनों तरफ राजधानी पटना में आज बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही बिहार के कई जिलों में भी आने वाले दिनों में बारिश होने की बात कही गई है। 23 अक्टूबर तक कोइलवर पुल के एक लेन को मेंटेनेंस को लेकर किया जाएगा बंद। आरा बक्सर समेत पुराने शाहबाद के 4 जिलों को उत्तर प्रदेश के कई जिलों से और राजधानी पटना से जोड़ने वाले कोइलवर पुल के एक लेन को 23 अक्टूबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। पुल के मेंटेनेंस को लेकर अब्दुल बारी सेतु के उत्तरी लेन को 15 सितंबर से 23 अक्टूबर तक बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। आरा बक्सर समेत पुराने शाहबाद के 4 जिलों और उत्तर प्रदेश के कई जिलों को राजधानी पटना से जोड़ने वाले कोल्हापुर का एक लेन बंद रहेगा। इस निर्णय के तहत 15 सितंबर से 23 अक्टूबर तक उत्तरी लेन मंगलवार और शुक्रवार को बंद रखा जाएगा। जिन तारीखों का पुल उत्तरी लेन वाहनों के परिचालन के लिए बंद रहेगा, उसमें 15 सितंबर, 18 सितंबर, 22 सितंबर, 25 सितंबर, 29 सितंबर, 2 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर की तारीख शामिल है। आज से राजधानी पटना के रेस्टोरेंट और सभी मॉल में दिखेगी चहलकदमी। कोविड-19 के माहौल के बीच बीते दिन लॉकडाउन के नियमों को पूरी तरीके से खत्म करने के बाद आज से अनलॉक 4 की प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसके तहत पटना में दुकानों को खोलने और बंद करने की निर्धारित समय सीमा को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही आज से सभी मॉल को खोल दिया जाएगा। वहीं रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाए गए बंद को भी खत्म कर दिया गया है। अब लोग सामान्य तरीके से इधर उधर जा सकेंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी। पटना जिले मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही पटना के लोग होटल और रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा सकते हैं। इससे पहले रेस्टोरेंट में सिर्फ खाना ले जाने की अनुमति थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आने वाले समय में सभी लोगों को कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा सचेत रहने की दी नसीहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन अपने एक अन्य मार्ग स्थित संवाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोविड-19 की स्थिति और उसके रोकथाम को लेकर किए जा रहे कामों के संबंध में समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से 7 अगस्त और 21 अगस्त को हुई समीक्षा बैठक में संक्रमण की जानकारी दी थी। इसके साथ ही प्रधान सचिव ने बताया कि कोविड-19 की अब तक 41,75,922 जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही हर दिन 1.5 लाख से ज्यादा जांच की जा रही है। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी आम नागरिकों से आग्रह करते हुए साफ तौर पर कहा कि भले ही बिहार में प्रभावितों की संख्या नियंत्रित हो, मगर फिर भी लोगों को पूरी सजगता के साथ चलने की जरूरत है। जदयू और लोजपा के बीच बढ़ा तनाव। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही जदयू और लोजपा के बीच में लगातार तनाव की स्थिति बरकरार है। जदयू ने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर एक बार फिर से सख्ती से दो टूक नसीहत देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी से बाज आने की नसीहत दी है, जिसके तहत जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि हमारा लोजपा से कोई गठबंधन नहीं है। 1998 से अब तक अटल जी जब थे, मोदी जी अब है, हमारा भाजपा के साथ ही गठबंधन है और अब लंबे समय से है। चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आयोजित करवाया जाएगा। आपको बता दें, सोमवार को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में 3 घंटे तक चली बैठक में 143 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची तैयार करने का फैसला लिया गया है। युवराज ने जताई बिग बैश लीग BBL में खेलने की इच्छा। भारतीय टीम को अलविदा कह चुके युवराज सिंह ने बिग बैश BBL में खेलने की इच्छा जाहिर की है। इसके लिए क्लब ढूंढने में उनकी मदद की जा रही है। अभी तक भारत का कोई भी खिलाड़ी BBL में नहीं खेला है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड सक्रिय खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता है। वहीं दूसरी तरफ 38 वर्षीय युवराज ने पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय घरेलू क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और उनका विदेशी लीग में खेलने का रास्ता साफ हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार युवराज के मैनेजर जेसन बोर्ड ने इस बात की पुष्टि की है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस पूर्व
भारतीय ऑलराउंडर में दिलचस्पी रखने वाले फ्रेंचाइजी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए यह कहा गया है कि हम सीए के साथ मिलकर टीम तलाश रहे हैं। भारत में बीते 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा नए मामलों की हुई पुष्टि। भारत में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बीते 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में 75,809 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या 42,80,000 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही 24 घंटे में 1,133 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद 72,725 लोगों की जान कुल मिलाकर गई है। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो 8,83,000 मामले फिलहाल सक्रिय चल रहे हैं। वहीं 33,23,000 लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं। संक्रमण की सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना है। वहीं अब तक पूरे भारत में कुल मिलाकर 5 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जाँच की जा चुकी है। देश भर में 2 सितम्बर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की, और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।